सो लेक्चर नंबर 5 गैलस एक्सटेंशन या गैलस थ्योरी। सो असी पिछले लेक्चर दे विच डिस्कस कीता सीगा नॉर्मल एक्सटेंशन। सो नॉर्मल एक्सटेंशन क्या हुंदी है, सब तो पहला उस डेफिनेशन नूं आपां रिवाइज कर लीए कि साडे कोल अगर कोई के साडे कोल है, इट इज़ ए एक्सटेंशन ऑफ एफ। इफ इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ एफ then k is called a normal extension, normal extension of f। number 1, if it satisfy k over f is a algebraic extension, number 1 a algebraic extension hove। number 2, splitting field of fx which is a subset of k ja equal to k, so splitting field of fx which is part of k for every fx belongs to fx। so koi bhi polynomial as f de upar liye odi jehdi splitting field hai oh k da hissa hona chahida, ta assi us extension nu normal extension kahange। theek hai ji, hun aapa us to baad ek result prove kita si कि साढ़े कोल जिस दी डिग्री 2 दे बराबर है वो साढ़े कोल नॉर्मल एक्सटेंशन होती। डिग्री ऑफ के ओवर एफ अगर 2 दे बराबर आ, सो दैट एक्सटेंशन इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन। नाउ आई कंसिडर ए सेकेंड एग्जाम्पल, कंसिडर के सो वट इज़ दिस, इट इज़ ए क्यू जनरेटेड बाय 2^1/3। Now it means, so first of all k is algebraic over q or a cylindrical field hai q, so consider this is a extension of a field q। so a dekho extension hai और ए पॉलीनोमियल नूं सैटिस्फाई करदी है, तो नंबर 1 ते ए आटोमैटिकली असी कह सकते हैं के ओवर क्यू इट इज़ ए अलजबराइक एक्सटेंशन। क्यों अलजबराइक एक्सटेंशन? क्योंकि साडे कोल एक ऐसी पॉलीनोमियल है जिन्हों 2^1/3 सैटिस्फाई करती है। सो मिनिमल पॉलीनोमियल ला लीए, लेट p of x which is a minimal polynomial of 2^1/3 over q, so this is equal to x^3 - 2 de barabar, ye sade kol minimal polynomial aa gayi। agar ye minimal polynomial hai aur naal de naal ye sade kol irreducible aa gayi, सो दिस इज़ ए इरेड्यूसिबल पॉलीनोमियल ऑफ दिस, सो उदे करके मिनिमल पॉलीनोमियल आ गई। सो व्हाट आर द रूट्स ऑफ दीज पी एक्स, सो रूट्स ऑफ पी एक्स आर एक तो आएगा 2^1/3, एक आ जाएगा 2^1/3 ओमेगा और थर्ड आ जाएगा 2^1/3 ओमेगा स्क्वायर। सो ये साढ़े कोल इहदे रूट्स आ गए, तीन रूट्स आ गए, और इन अगर रूट्स नूं देखिए तो इहदी जिहड़ी स्प्लिटिंग फील्ड है, सो वट इज़ द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ पी एक्स, ये किहदे बराबर आ गई, सो दिस इज़ ए क्यू जनरेटेड बाय 2^1/3 एंड ओमेगा, सो दिस इज नॉट ए सबसैट ऑफ के, ये दा सबसैट नहीं है। जा दूजे लफ्जां च असी कह सकते हैं कि जेडे साडे कोल दीज रूट्स आ ये साडे कोल, सो दैट आर नॉट इन के। सो पहला रूट तो के च है पर ए रूट नहीं है, ए रूट नहीं है, तो सारे दे सारे रूट जेड़े के दे विच नहीं है। अगर के दे विच नहीं है तो साडे कोल के जेड़ा है इट इज़ ए
not a normal extension of normal extension of Q. तो Q दी ये normal extension नहीं होएगी, ठीक है जी. सो इस ढंग दे नाल असी चेक करना कि साडे कोल कोई भी, अगर साडे कोल पॉलीनोमियल है, कोई भी साडे कोल जिहड़ी साडे कोल एक्सटेंशन है वो नॉर्मल एक्सटेंशन कदों होंदी ते नॉर्मल एक्सटेंशन कदों नहीं होंदी. उस तो बाद आपां एक एग्जाम्पल कंसिडर करन लई मैं एक फील्ड एफ लै लिया क्यू दे बराबर मान लो, और दूजी फील्ड क्यू लै लिया क्यू जनरेटेड बाय टू रेज टू पावर वन बाय टू यानी कि अंडर रूट टू आ गया, और थर्ड मैं कैपिटल एल फील्ड लै ली क्यू रेज टू पावर टू रेज टू पावर वन बाय फोर दिस. सो मेरे को तीन फील्ड्स हो गई हैं. सो अगर मैं ध्यान नाल देखा सब तो छोटी फील्ड एफ है और उस तो बाद के आ गई और उस तो बाद साडे कोल एल फील्ड आ गई. सो साडे कोल तीन फील्ड्स हो गई हैं एफ के एंड एल. सो सब तो छोटी फील्ड साडे कोल एफ आ गई, अगर असी दिस इज एफ, और उस तो बाद मेरे कोल अगली फील्ड मैं अजूम कर ली साडे कोल थर्ड, एंड थर्ड फील्ड असी जिहड़ी है वो दिस यूज कर ली मैं. सो दिस इज़ माई थर्ड फील्ड, राइट. सो वट इट मीनस, यदा मतलब साढ़े कोल दिस फील्ड यदा ना एफ रख लिया, यदा ना के रख लिया, और ये सब तो बड़ी फील्ड यदा ना एल रख लिया. सो एल इज़ क्यू रेज टू पावर जनरेटेड बाय टू रेज टू पावर वन बाय फोर, और के साढ़े कोल है क्यू जनरेटेड बाय स्केयर रूट ऑफ टू, और एफ साडे कोल किहदे बराबर है, इट इज़ अ फील्ड ऑफ क्यूशन यानी कि क्यू दे बराबर. सो ये साडे कोल सब फील्ड आ गई. हुण आपां थोड़ा जिहा इहनूं डिस्कस करिए. सो सब तो पहला मिनिमल पॉलीनोमियल अगर आपां के ता एफ दी डिस्कस करिए, के ओवर एफ दिस वैल्यूज. सो इहदी जिहड़ी साडे कोल मिनिमल पॉलीनोमियल है ये आ गया साडे कोल क्यू जनरेटेड बाय अंडर रूट टू, और नाल आ गया साढ़े कोल क्यू दे बराबर दिस वैल्यूज. तो वट इज़ दिस, इट इज़ ए डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ जिहड़ी किहदे बराबर है एक्स स्केयर माइनस टू दे. सो दिस इज़ इक्वल टू टू दे बराबर, और सानू पता जिहदी डिग्री दो दे बराबर हो जाए वो नॉर्मल एक्सटेंशन हो जाती है. सो वन थिंग इज़ क्लीयर. सो वट इज़ के, K is normal extension of F. So this is normal extension of F आ गया. हुण आपां इस तो अगले स्टैप च चलिए. इस तो अगला स्टैप साडे कोल की है L ते K दा कंबीनेशन. सो कि L ते K दा कंबीनेशन चैक करिए. इत्थे साडे कोल L ते K दा आ गया. सो एल ते के दे कंबीनेशन आप देखिए. सो वट इज़ दिस, दिस इज़ एल जनरेटेड बाय के, दिस आ गया. सो एल दी वैल्यूज़ कितनी है, क्यू जनरेटेड बाय टू रेज टू पावर फोर, सो दिस इज़ फोर अंडर रूट टू, एंड दिस इज़ क्यू जनरेटेड बाय टू रेज टू पावर दिस, सो दिस इज़ वन बाय टू रेज टू पावर वन बाय टी. सो दिस वैल्यूज़ आ गई. तो एदी भी असी अगर डिग्री चेक करांगे वो किदे बराबर आ जाएगी. सो दिस इज़ इक्वल टू टू दे बराबर, ठीक है जी. सो असी ये पॉलीनोमियल इस फॉर्म दे विच लियानी है. तो इस फॉर्म च साडे कोल पॉलीनोमियल जिहड़ी है उहनूं आपां एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उहदी डिग्री किन्नी आ जाएगी, साडे कोल दो दे बराबर आ जाएगी. सो बेसिकली कुछ नहीं है उत्थे, आपां जिद्दां एक्स स्केयर माइनस टू लिया, इतने एक्स स्केयर असी माइनस अंडर रूट टू लै लवेंगे, ठीक है जी. इनू मैं फिर एक्सप्लेन कर दिना. सो यदी जी मिनिमल पॉलीनोमियल है वो किन्नी आ जाएगी, एक्स स्केयर माइनस स्केयर रूट ऑफ टू. सो दिस इज ए डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलीनोमियल एक्स स्केयर माइनस स्केयर रूट ऑफ टू, और ये कि बराबर आ गई,
ये दो दे बराबर आ गई। अगर दो दे बराबर आ गया सो वट इज़ दिस, एल साढ़े को आ गया, सो दिस इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन, नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ के आ गया, दिस इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ के, क्योंकि यदि डिग्री के दे उत्ते दो दे बराबर आ, ये नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ के आ गया। तो एल के दे उत्ते नॉर्मल एक्सटेंशन हो गया, के एफ दे उत्ते हो गया। हुण आपां चैक करिए एल नू किहदे उत्ते, साडे कोल एफ दे उत्ते। सो एल नू जदों असी क्यू दे उत्ते चैक कीता, सो वट इज़ दिस, इट इज़ ए क्यू जनरेटड बाय टू रेज टू पावर 1/4 और दिस इज़ क्यू। सो इहदी जिहड़ी मिनिमल पॉलीनोमियल है उहदी डिग्री आ गई एक्स दी पावर 4-2, सो दिस इज़ इक्वल टू 4 दे बराबर, दिस वैल्यूज आ गई। ठीक है जी, सो यदि वैल्यू साढ़े को 2 दे बराबर आ गया। तो ये आप रूट्स देखिए इस मिनिमल पॉलीनोमियल दे, सो रूट्स ऑफ पॉलीनोमियल या मिनिमल पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल विच इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स दी पावर 4-2, दिस आ गया। और ये साढ़े को रूट अगर आप देखने होनू फैक्टराइज कर लिए, एक आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस इनू आप फैक्टराइज किया, सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस अंडर रूट 2, दूजे पासे आ गया एक्स स्केयर प्लस साढ़े को अंडर रूट 2। ठीक है जी, तो ये साढ़े को वैल्यूज आ गई एक्स स्केयर माइनस साढ़े को अंडर रूट 2 आ गया, और वो नाल आ जाएगा प्लस माइनस नाल आयोटा भी आ जाएगा। सो ये तो साढ़े को रूट आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 2 रेज टू पावर 1/4। ठीक है जी, और दूजे दे नाल आयोटे वाली टर्म्स आ गई, सो एक तो रूट आ गए साढ़े को 2 रेज टू पावर 1/4 प्लस माइनस 1, और दूजे पासे आ गए साढ़े को एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1/4 है ना, फिर अंडर रूट 2 माइनस है, सो साढ़े को माइनस आयोटे का स्केयर रूट भी आ जाएगा। ठीक, सो प्लस माइनस इदा कह सकते हैं प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ 2 आयोटा, दूजे रूट आ गए। हुण जिहड़े आ रूट आ ये तो एल नू बिलोंग करते, बट आयोटे वाले रूट एल नू बिलोंग नहीं करते, इहदा मतलब रूट्स ऑफ पी एक्स आर नॉट इन के, इन एल, ये एल च नहीं है, सो साढ़े को आ गया एल इज नॉट ए नॉर्मल एक्सटेंशन, नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ के, सो दिस इज नॉट ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ के, ये नॉर्मल एक्सटेंशन नहीं है। सो वट वी डिफाइन, असी की प्रूव किया, असी प्रूव किया कि जिहड़ी के है ए क्यू दे उत्ते नॉर्मल एक्सटेंशन है, सो के क्यू दे उत्ते नॉर्मल एक्सटेंशन है और ए के दे उत्ते नॉर्मल एक्सटेंशन है, बट साढ़े कोल जिहड़ी साढ़े कोल एल है ए क्यू दे उत्ते नॉर्मल एक्सटेंशन नहीं है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन दी स्टेटमेंट किस ढंग नाल पूछी जाएगी, इस क्वेश्चन नूं पूछा जाएगा कि गिव एन एग्जाम्पल that the field F, K and L are such that L is a normal extension of K and K is a normal extension of F but L is not normal extension of F. एक ये condition missing है वो भी लिख लेनी, such that F जड़ा है it is part of K, K is part of F, तो ये subset भी होने चाहिए हैं और नाल दे नाल इन्हां कंडीशन नूं सैटिस्फाई करनी चाहिए। सो बेसिकली इहदे विच ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जिहड़ी आ वो एप्लीकेबल नहीं है, सो रिमैंबर दैट हेयर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जिहड़ी साडे कोल है वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी, सो उस तो बाद साडे कोल अगली थ्योरम दी आपां गल करन जा रहे हैं, और ये थ्योरम हर साल एग्जाम दे विच पूछी गई है। So first, what is the statement of this theorem? The statement is, let
के विच इज इक्वल टू फाइनाइट अलजेब्रिक एक्सटेंशन. सो दिस इज अ फाइनाइट अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड एफ, ऑफ ए फील्ड एफ. ठीक है जी. सो के साढ़े को फाइनाइट अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड एफ, तो असी प्रूव की करना, देन के इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ इफ एंड ओनली इफ. तो साढ़े को पहला पार्ट था गिवन, इफ एंड ओनली इफ के इज द सप्लिटिंग फील्ड ओवर एफ ऑफ सम नॉन जीरो सप्लिटिंग फील्ड ऑफ सम नॉन जीरो पॉलिनोमियल एफ एक्स विच इज पॉलिनोमियल ओवर एफ एक्स. ठीक है जी. तो किसी ना किसी एक पॉलिनोमियल दी ये सप्लिटिंग फील्ड जी वो बन जाएगी. ये साढ़े को इदी स्टेटमेंट आ गई इफ एंड ओनली पार्ट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. और ये एग्जाम केड़े केड़े साल पूछी गई है ये भी मैं तुम दस दिना, 94, 97, 98, 99, 2001, 2002, 3, 4, 6, 7, 8, फिर आ गया 9, फिर आ गया 14. उस तो बाद दी इनफॉरमेशन शायद मेरे को नहीं है. सो ऑलमोस्ट अगर असी ध्यान नाल समझने की कोशिश करिए तो हर साल ये जड़ी साढ़े कोल है थ्योरम एग्जाम दे विच आती है. ठीक है जी. सो ये साढ़े कोल इस दी स्टेटमेंट नू दूजे ढंग नाल भी पूछा जाता इस नू. वो स्टेटमेंट की है कि शो दैट फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन, इस थ्योरम नू इदा भी पूछा जाता फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन आर प्रिसाइजली सप्लिटिंग फील्ड प्रिसाइजली. ठीक है जी. प्रिसाइजली द सप्लिटिंग फील्ड. सो दोनों जिहड़ियां थ्योरम दी स्टेटमेंट सेम ही है. सो साडे कोल नॉर्मल एक्सटेंशन आ प्रिसाइजली सप्लिटिंग फील्ड, राइट. तो फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशंस ये भी साडे कोल फाइनाइट अलजेब्रिक एक्सटेंशन दिता. तो ये वैसे तो फाइनाइट अलजेब्रिक एक्सटेंशन आना चाहिए पर फाइनाइट एक्सटेंशन अलजेब्रिक एक्सटेंशन होती है. लो जी, हुण सब तो पहला सानू गिवन की दिता के साढ़े कोल की है फाइनाइट एक्सटेंशन. फाइनाइट भी है, जे फाइनाइट एक्सटेंशन है तो साढ़े कोल अलजेब्रिक एक्सटेंशन भी होएगी. सो आपां नू स्टैप बाय स्टैप प्रूफ करन की कोशिश करते हैं. स्टैप नंबर 1 दे विच के सानू किदां दा दिता. सो दिस इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड एफ. ठीक है, एफ भी फील्ड है, लिखा नहीं, एफ भी फील्ड. जे फाइनाइट एक्सटेंशन है तो असी फाइनाइट एलीमेंट के दे विच्चों लभ सकते हैं सच दैट के जड़ा है इट इज़ एफ जनरेटेड बाय ए वन ए टू एंड ए एन. साढ़े कोल जनरेटेड बाय
एफ जनरेटेड बाय ए वन ए टू एंड ई एन, ठीक है जी। उस तो बाद सानू गिवन पता फाइनाइट एक्सटेंशन अलजबरिक एक्सटेंशन होंगी है, सो इट इंप्लाइज के इज अलजबराइक एक्सटेंशन ऑफ एफ, ठीक है। अगली गल के साढ़े को अलजबराइक एक्सटेंशन ऑफ एफ आ गया, तो फाइनाइट भी होगी अलजबराइक भी होगी, सो दोनों चीज़ा ये साढ़े को प्रूफ हो गई। हुण आपां जिहड़ा साडा परपज़ है दो पार्ट है, पहले पार्ट दे विच नॉर्मल एक्सटेंशन दिता तो असी के नूं स्प्लिटिंग फील्ड प्रूव करना फस्ट पार्ट दे विच, और सैकंड पार्ट दे विच स्प्लिटिंग फील्ड है तो असी नॉर्मल एक्सटेंशन प्रूव करना। सो फस्ट स्टैप कह सकते हैं जां पार्ट कह सकते हैं, सो दिस इज फस्ट पार्ट जां फस्ट स्टैप। ये साढ़े कोल की आ गया, ये साढ़े कोल आ गया कि के सानू दिता लैट के विच इज़ ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ है, ठीक। सो दिस इज़ ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ है, ये सानू दिता। जे नॉर्मल एक्सटेंशन है इहदा मतलब कोई भी असी एलीमेंट लईए उहदी जिहड़ी स्प्लिटिंग फील्ड आ, ठीक है, वह किहदे विच कंटेन करेगी, के दे विच कंटेन करेगी। तो मैं की कीता फॉर ईच ए आई बिलोंग्स टू के, और आई साडे कोल है वन टू एंड साढ़े को एन आ गया, एन तक ले सके, ठीक है जी। और ये सानू पता अलजबराइक है तो इन्हों की मिनिमल पॉलीनोमियल होएगी, सो मैं डिनोट कर लिया एफ आई एक्स, वट इज़ दिस, इट इज़ ए मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ साढ़े को आ जाएगा, सो वट इज़ दिस, इट इज़ ए मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ ए आई, मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ ए आई ओवर एफ। सो अगर मैं मैथमेटिकल लिखना होवे तो ए आई दो बिंदियां एफ, सो इट मीन्स इट इज़ अ मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ ए आई ओवर एफ। ये रूट्स यदी स्प्लिटिंग फील्ड के होएगी क्योंकि के सानू नॉर्मल एक्सटेंशन दिता, ये माइंड च रखना। हरेक एफ वन एक्स की भी, एफ टू एक्स की भी, तो एफ एन एक्स की भी, या हरेक एफ आई एक्स स्प्लिट कंप्लीटली ओवर के, यानी वो के होएगा। मैं कंसिडर कर लिया इन सारिया पॉलीनोमियल का प्रोडक्ट करके एफ वन एक्स एफ टू एक्स और करते जाइए एफ एन एक्स, इदा लिख लिया, ठीक है जी। हुण क्योंकि के नॉर्मल एक्सटेंशन है, नॉर्मल एक्सटेंशन करके एफ वन एक्स दे रूट ये किदे विच आ, के दे विच आ, एफ टू एक्स दे रूट भी के दे विच आ, और करते जाइए ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫ ਐਨ ਐਕਸ ਦੇ ਰੂਟਸ ਵੀ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਆ ਗਏ, ਐਫ ਵਨ ਐਕਸ ਦੇ ਵੀ, ਐਫ ਟੂ ਐਕਸ ਦੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਐਫ ਐਨ ਐਕਸ ਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਐਫ ਐਕਸ ਦੇ ਵੀ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਦੇ ਰੂਟਸ ਵੀ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, सो इहदा मतलब साडे कोल की आ गया, इहदा मतलब आ गया कि जिहड़ा साडे कोल स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स है, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स है, सो दिस इज़ ए पार्ट ऑफ के, ठीक है, क्योंकि पहले दे भी रूट आ गए, दूजे दे भी आ गए,
एफ एन एक्स दे भी आ गए, तो नैचुरली एफ ऑफ एक्स दे भी रूट इहदे विच आ गए। सो इहदे विच आ गए तां के साडे कोल स्प्लिटिंग फील्ड जिहड़ा साडे कोल बन गया, के इहदा बन गया, उहदा पार्ट आ गया। दैन वट इट मीनस, इट मीनस के इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ पॉलीनोमियल एफ एक्स। तो ये साडे कोल एक पार्ट बन गया, फस्ट पार्ट। तो असी स्प्लिटिंग फील्ड किसी नॉन जीरो पॉलीनोमियल दी प्रूव करना सी, और वो असी जिहड़ा ये प्रूव करता। हुण आ गया कनवर्स पार्ट, कनवर्स पार्ट या सैकेंड पार्ट भी कह सकते। हुण कनवर्स पार्ट दे विच सानू स्प्लिटिंग फील्ड दित्ती हुई है, तो नॉर्मल एक्सटेंशन प्रूव करना। मन लो आई टी लेट के विच इज ए सप्लीटिंग फील्ड, सप्लीटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स ओवर, सप्लीटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स ओवर एफ, कोई भी नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, नॉन जीरो पॉलिनोमियल एफ एक्स ओवर एफ, ठीक है जी, क्योंकि नॉन जीरो दिती है। अगर नॉन जीरो पॉलिनोमियल है तो ए पॉलिनोमियल किदां दी होएगी, ए पॉलिनोमियल होएगी कोई ना कोई यदि डिग्री होनी है। सो ए आ गई अल्फा जीरो, अल्फा वन एक्स करते जाओ अल्फा एन एक्स दी पावर एन, अल्फा आई फील्ड नू बिलोंग कर ले और अल्फा एन नॉन जीरो ले लिया ताकि डिग्री भी पता लग जाए। तो ये साढ़े को डिग्री ऑफ एफ एक्स कितना आ गया, एन दे बराबर आ गया। यदा मतलब एन दे एफ एक्स दे एन रूट होंगे, क्योंकि के स्प्लिटिंग फील्ड आ वो सारे दे सारे रूट किहदे विच हो जाएंगे, के दे विच हो जाएंगे। सो इट मीनस एफ ऑफ एक्स हैज एन रूट्स, एन रूट्स। सो वो रूट्स केड़े केड़े होंगे, से विच इज ए वन ए टू करते जाइए ए एन। सो एन रूट्स आ गए, अगर एन रूट्स आ गए तो इन्हां एन रूट्स नू आपां किद्दां लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू अल्फा ले लिए, कोई नॉन जीरो एलिमेंट ले लिए, दिस इज अल्फा, एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू, ठीक है जी, बल्कि अल्फा एन बार कढ़िए, ठीक है, क्योंकि इहदा कोफिशियंट दिस है, करते जाइए एक्स माइनस ए एन, दिस आ गए, ये साडे कोल एफ एक्स दे रूट आ गए। आलसो आलसो ए आई इट बिलोंगस टू के, ये के नू बिलोंग करनगे जदों आई रनिंग फ्रॉम वन टू ते एन हो जाए, और ये क्यों करनगे, क्योंकि के इहदी स्प्लिटिंग फील्ड है। सो इहदे बारे पता होना चाहिए, तो साडे कोल स्प्लिटिंग फील्ड है होने करके साडे कोल इहदे बराबर साडे कोल आ जाए। अगर इहनू मैं स्प्लिट कर लिया, स्प्लिटिंग फील्ड है, सो इट मीनस जिहड़ा साडे कोल के है ये किदां दा आ जाएगा, एफ जनरेटेड बाय ए वन ए टू एंड ई एन, वाई बिकॉज इट इज़ ए स्प्लिटिंग फील्ड। तो के साडे कोल इस फॉर्म दे विच आ गया, अगर इस फॉर्म च आ गया तो असी के दे विच कोई एलीमेंट लईए और उहदी इरेड्यूसिबल पॉलीनोमियल लै ली। मान लो साडे कोल आई टी अल्फा विच बिलोंगस टू के, तो इहदा अलजबरिक तां है ही है, सो अल्फा कोई ना कोई के दे विच लिया, सो विच इज़ ए रूट ऑफ सम मिनिमल पॉलीनोमियल, या इहनू असी इस ढंग नाल भी कह सकते हाँ कि असी कोई पॉलीनोमियल पी एक्स इरेड्यूसिबल पॉलीनोमियल कंसिडर कर लीए और उहदा रूट, सो आई कंसिडर कंसिडर पी ऑफ
एक्स ये साढ़े को इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ओवर एफ लिया ओवर एफ और एदा एक रूट ले लिए हैज रूट अल्फा इन के क्लियर हो गए जी मतलब बेसिकली पी एक्स ओदी मिनिमल पॉलिनोमियल बन गई हुण एदा कोई होर रूट भी होएगा वो ले लिए बीटा सो लेट बीटा बी एनी अदर रूट ऑफ पी एक्स ठीक है पी एक्स इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल अल्फा रूट एक हो गया बीटा सी दूजा रूट हो गया तो साडा जेड़ा मकसद है अवर क्लेम अवर क्लेम बीटा जड़ा है इट बिलोंग्स टू के मतलब जड़ी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है उदा अगर एक रूट के च है तो उदा जड़ा कंजुगेट भी है वो भी के नू बिलोंग करेगा ठीक है जी कंजुगेट यानी उदे जड़े रूट्स है वो भी के नू बिलोंग करेंगे सो एज वी नो दैट एज अल्फा बीटा आर रूट ऑफ पी एक्स सो अल्फा एंड बीटा आर कंजुगेट टू ईच अदर कंजुगेट टू ईच अदर और दोनों दी मिनिमल पॉलिनोमियल सेम है कौन है दोनों दी मिनिमल पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है दोनों दी अल्फा बीटा कंजुगेट है और दोनों दी मिनिमल पॉलिनोमियल साढ़े को पी एक्स है तो असी एक थ्योरम प्रूव की सी पिछली चैप्टर द देयर एग्जिस्ट एन आइसोमोरफिज्म आइसोमोरफिज्म और वो आइसोमोरफिज्म असी सिगमा ले लिए और कितों स्टार्ट होंगी सी एफ जनरेटेड बाय अल्फा तो एफ जनरेटेड बाय बीटे और एफ दे उत्ते एदी वैल्यूज फिक्स्ड हो जांदी सी और अल्फे ते एदी वैल्यूज बीटे दे बराबर हो जांदी सी ठीक है सो असी ए कीता सीगा सो इट इंप्लाइज सच दैट साडे कोल सच दैट कि एदी जिहड़ी सिग्मा दी वैल्यूज टी दे उत्ते फिक्स्ड हो जांदी सी फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू एफ और सिग्मा दी अल्फे दे वैल्यूज बीटे दे बराबर हो जाती सी ये असी आइसोमोरफिज्म फाइंड आउट कीती सी अगर साडे कोल आइसोमोरफिज्म फाइंड आउट हो गई हुण जिहड़ी साडे कोल पॉलिनोमियल है एफ एक्स ये साडे कोल के जिहड़ा है ये की है स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स और ये किहदे ते है एफ दे उत्ते है तो आलसो इट इज़ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ ऑफ अल्फा आलसो साढ़े को के जड़ा है एज वी नो दैट सब तो पहला एफ सबसेट ऑफ एफ अल्फा सबसेट ऑफ के तो वट इज़ के स्प्लिटिंग फील्ड एफ दे उत्ते है तो के साढ़े को है स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स ओवर एफ दैन इट इंप्लाइज तो वो ये उत्ते भी होएगी सो के साडे कोल आ गया स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स ओवर एफ ऑफ अल्फा क्यों क्योंकि ये कोफिशेंट जड़े ये वो ये भी हो गए तो नैचुरली रूट तो ये रहने ही रहने पर जड़े कोफिशेंट जो एफ चाह तो एफ अल्फा दे भी आने गए सो सेम प्रोसीजर नाल जी साढ़े को बीटा आ सिमिलरली जड़ी के
जनरेटेड बाय बीटा, एक ही आ गया, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स ओवर साढ़े को एफ जनरेटेड बाय बीटा, यानी के एफ दे उत्ते आ तो के जनरेटेड बाय साढ़े को बीटा, द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स ऑफ एफ जनरेटेड बाय बीटा। ठीक है जी, तो साढ़े को मतलब आ जड़ी पॉलिनोमियल है ये मिनिमल पॉलिनोमियल बन गई दोनों की, जो दोनों की मिनिमल पॉलिनोमियल बन गई तो के बीटा सपलीटिंग फील्ड आ तो ये आपस के आइसोमॉर्फिजम हो जाएगी। तो यदा मतलब देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिजम, बड़े ध्यान नाल आइसोमॉर्फिजम, हुण रख लीए साई। ठीक है जी, ये किधर तो स्टार्ट होएगी, के तो जाएगी और कितने जाएगी, के जनरेटेड बाय बीटे, ये तो दोनों आइसोमॉर्फिक है, ये उन्होंने की हो गई फील्ड ऑफ एक्सटेंशन यानी स्प्लिटिंग फील्ड, तो ये भी आइसोमॉर्फिक होगी। ठीक है, असी प्रूव कर चुके हैं ना एफ अल्फा तो एफ बीटा आपस दे विच आइसोमॉर्फिक है, तो ये के ते के बीटा वो दियां एक्सटेंशन हो गई हैं जिहड़ी कि स्प्लिटिंग फील्ड एफ एक्स की है, तो ये भी एक दूजे के आइसोमॉर्फिक होणगे, आइसोमॉर्फिक होणगे ऑन टू, और जिन्हां दी वैल्यूज जिहड़ी है वो एफ अल्फ एफ दे उत्ते जा साडे कोल सच दैट, इहनूं मैं लिख दिंदा साई दी वैल्यूज, इत्थे एलीमेंट की है के है ना, छोटा साडे कोल फील्ड की एफ अल्फा ये तो फिक्सड रहेगी क्योंकि यदि एक्सटेंशन, सो दिस कैन बी रिटन एज साई आर विच इज इक्वल टू सिग्मा आर फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू साढ़े को एफ ऑफ अल्फा। बेसिकली की आ सिग्मा नू एक्सटेंड करता और जिद ते एक्सटेंड होएगी वो भी साढ़े को दिस वैल्यूज आ जाएगी। हुण साई पहला आपां देखो आपां किहदे ते चले, मैं जे इनू फिगर दे विच समझाना चाहवां तो मैं इत्थे लिया दिस इज एफ अल्फा, सो ए मैं एफ अल्फा आ ले लिया, एफ बीटा एक मैप ले ली एफ अल्फा तो एफ बीटा, हुण उस तो बाद मैं एक टर्म ले ली, सो दिस इज मेरे कोल एदी एक्सटेंशन आ गई, और सिमिलरली फिर मैं एदी एक्सटेंशन ले ली, सो एदी एक्सटेंशन साढ़े को किन्नी आ गई के ते के बीटा आ गई। हुण इस तो अगे भी चलना, इस तो अगे चलन लई मैं थर्ड पिक्चर ले लैना, सो मैं हुण जिहड़ी है वो एदी एक्सटेंशन ले ली दिस, और दूजे पासे भी मैं एदी एक्सटेंशन जिहड़ी है वो लै ली, तो तीन मैप्स दे विच चलना। ठीक है, सो पहली जिहड़ी मैपिंग है ये है एफ अल्फा, इधर है एफ बीटा। ठीक, उस तो बाद अगली साढ़े को आ गई अगली के, तो दूजा आ गया साढ़े को के जनरेटेड बाय बीटा, एक्सटेंशन हो गया, और तीजे स्टेप दे विच फिर आप अगे चलना वो है के एक्स, जिहड़ी यदि मैं के एक्स, फिर आ जाएगा साढ़े कोल के बीटा, ये पॉलिनोमियल फील्ड ऑफ पॉलिनोमियल दे उत्ते चलेगी। तो तुसी की कीता आपां आ मैपिंग इहदे तो लई आइसोमॉर्फिजम सिगमा, ए एक्सटेंड होके के तो के बीटे च बन गई साई, हुण आपां अगली भी एक्सटेंड कर देनी ये तो ये विच वो आ जाएगा साई स्टार। ठीक है, और इस पॉइंट ते उदी वैल्यू सेम रहेगी। नाउ दिस लिखना किदा, फरदर साई स्टार है ना, आ साई स्टार लिया, एक ही है साई स्टार जा साई वर्ड यूज कर लो, फरदर साई कैन बी एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड टू साई स्टार।
ठीक है जी। तो साई नूं आपां साई स्टार ते एक्सटेंड करता, जो करता तो साढ़े कोल देयर एग्जिस्ट साई स्टार, एक आइसोमोरफिजम हो गई, एक किदे तो स्टार्ट हुई के जनरेटेड बाय एक्स तो कितने तक गई, के जनरेटेड बाय साढ़े कोल बीटा नाल की आ गया एक्स ते आ गया, सो दिस इज ए ऑन टू नाल दे नाल साढ़े कोल आ गया आइसोमोरफिजम, ये साढ़े कोल ऑन टू ते आइसोमोरफिजम हो गई सच दैट। हुण इत्थे पॉलीनोमियल तो साई स्टार एफ एक्स ते ऑपरेट कीता, दिस इज एफ एक्स ते, और एदी वैल्यूज किदे बराबर होएगी साई स्टार एफ एक्स, सो दिस इज ए साई स्टार एफ एक्स दी वैल्यू पुट कर दी अल्फा जीरो अल्फा वन एक्स अल्फा एन एक्स दी पावर एन, तो एक्स ते तो एदी वैल्यू जिहड़ी आ ओ नहीं जड़ी है साढ़े कोल उस एक्स ते जड़ी साढ़े कोल इहदे विच जड़ी वैल्यूज आ जाएगी, सो दिस वैल्यू इज साई स्टार, ये आ गया साढ़े कोल साई ऑफ दिस वैल्यूज अल्फा नॉट अल्फा वन एक्स फिर आ गया अल्फा एन एक्स दी पावर एन, और इनू दिस वैल्यू इज साई अल्फा नॉट साई अल्फा वन एक्स करते जाइए साई अल्फा एन एक्स दी पावर एन, क्योंकि ये तो फिक्सड आ सिगमा दे विच कन्वर्ट होएगी सिगमे तो इतने आ जाएगा, सो ये आ जाएगा अल्फा जीरो अल्फा वन एक्स करते जाइए अल्फा एन एक्स दी पावर एन, सो दिस इज इक्वल टू एफ एक्स, तो साढ़े कोल एफ एक्स के बराबर एदी वैल्यूज आ गई, और इसे नूं ही एक पासे एफ एक्स आ गया, जदों आपां साई स्टार एफ एक्स नूं दूजी टर्म दे विच चलिए, दूजी टर्म मीनस साई स्टार फिर आ गया अल्फा एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू करते जाइए अल्फा एन, और इत्थे आ गया एक्स माइनस ए एन, ठीक है जी। सो ये तो ऑपरेट किया साढ़े को आ गया अल्फा एन ये फिक्सड आ अंदर आ गया एक्स माइनस साई स्टार साढ़े को आ गया साई स्टार ए वन ये आ गया साई ए वन फिर आ गया एक्स माइनस साई ए टू बन गई वो बन गई एक्स माइनस साई ऑफ ए टू कंटिन्यू करते जाइए सो एक्स माइनस साई ऑफ ए एन क्योंकि साई स्टार एक्सटेंशन है सो एट दिस वैल्यूज ए वन ए टू ए एन दीज आर द सेम सो वी गेट टू इक्वेशंस वन इज साई स्टार एफ ऑफ एक्स एफ एक्स विच इज इक्वल टू दिस एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सो इन दोनों इक्वेशन दे मुताबक वन एंड टू दे मुताबक सो वट वी गैट अल्फा एन एक्स माइनस साई ऑफ ए वन एक्स माइनस साई ऑफ ए टू एंड कंटिन्यू करते जाइए एक्स माइनस साई ऑफ ए एन एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू अल्फा एन तो एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दिए एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एंड कंटिन्यू करिए एक्स माइनस ए एन अल्फा एन नॉन जीरो आ अगर नॉन जीरो आ सो यदा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो कैंसिलेशन ला लग जाएगा यानी अल्फा एन इनवर्स नाल मल्टीप्लाई कर दिए सो दीज इक्वेशन is equal to this equations this equation is equal to this equation so ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ a1 a2 an ਰੂਟ ਅਗੇ fx ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ psi a1 psi a2 psi of a1 psi of a2
कंटिन्यू करते जाइए, साई ऑफ ए एन. सो दीज आर रूट्स ऑफ एफ एक्स. दीज आर द रूट ऑफ एफ एक्स आर सेम एज आर सेम एज ए वन ए टू एंड ए एन बट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर. बट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर तो दोनों साढ़े को सेम होंगे पर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर. मतलब साई ए वन मान लो किसी होर दे बराबर हो जाएगा, यानी ए सिक्स दे हो जाएगा. साई ए टू ए सैवन दे हो जाएगा. सो दिस वैल्यूज, सो इट मीन्स दिस के इज इक्वल टू एफ जनरेटेड बाय ए वन ए टू की जगह पर साढ़े को आ गया ए वन ए टू ए एन, है ना. सो यदी जगह पर इन रूट्स की जगह पर साढ़े को वैल्यूज़ आ गई साई ऑफ ए वन साई ऑफ ए टू कंटिन्यू करिए साई ऑफ ए एन, दिस वैल्यूज़ आ गई. ठीक है जी. और साई ऑफ ए वन ए टू साढ़े को दिस वैल्यूज़ के बराबर आ गया. दूजे पासे अगर देखिए तो यह साढ़े को दी वैल्यूज़ आ गई. जे के ऑफ बीटे की गल करिए, क्योंकि आइसोमोरफिजम जिहड़ी साई है इट इज़ आइसोमोरफिजम फ्रॉम के टू के बीटा और ऑन टू भी है. सो के बीटा साढ़े को बराबर आ गया साई ऑफ के दे बराबर आ गया. और साई ऑफ के बराबर आ गया साई इस इक्वेशन नू यूज़ करो जनरेटेड बाय एफ जनरेटेड बाय ए वन ए टू एंड ए एन, दिस वैल्यूज़ आ गए. तो ये तो साढ़े को दिस वैल्यूज़ आ गए साई ऑफ एफ जनरेटेड बाय साई के और दिस इज साई ऑफ जनरेटेड बाय एफ ए वन ए टू एंड ए एन. और दिस वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ इस टर्म दे बराबर आ गई और दिस वैल्यू इज इक्वल टू के दे बराबर. सो के ऑफ बीटा और के ये दोनों आपस च सेम हो गए. ये दोनों आपस च सेम हो गए सो इट इम्प्लाइज बीटा बिलोंग्स टू के. बीटा बिलोंग्स टू के. सो अगर असी होर कोई उदा रूट लिया तो साढ़े को भी रूट जड़ा अल्फे का कंजुगेट सी वो भी के नू बिलोंग कर गया. यदा मतलब वट इज़ के साढ़े को स्प्लिटिंग फील्ड बन गई. जे के स्प्लिटिंग फील्ड बन गई सो के इज़ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ. नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ. सो इस ढंग नाल असी इस थ्योरम नू प्रूव कर सकते हैं. सो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट आ, इहदी एप्लीकेशन भी उन्नी इंपॉर्टेंट है. ये है रिलेशन बिटवीन नॉर्मल एक्सटेंशन एंड फाइनाइट एक्सटेंशंस. उस तो बाद इहदा ही हिस्सा है इस थ्योरम दा. मन लो स्टेटमेंट मैनू दित्ती है के सानू दित्ता. सो दिस इज ए फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड एफ. ठीक है जी. सो फस्ट के सानू दिता नॉर्मल फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ और ई सानू दिता सब फील्ड कंटेनिंग साढ़े कोल ई. ई सानू दिता सब फील्ड विच इज़ पार्ट ऑफ के एंड दिस इज़ कंटेनिंग एफ. ये साढ़े कोल फील्ड है तो ई भी फील्ड है. तो साढ़े कोल असी प्रूव करना टू प्रूव जेड़ा साढ़े कोल के है इट इज़ नॉर्मल एक्सटेंशन ओवर ई वी होएगा. ठीक है जी. सो दिस इज़ ए नॉर्मल एक्सटेंशन ओवर ई. असी प्रूव कर सकते हैं कि अगर साढ़े को तीन फील्ड आ
अगर के साडे कोल नॉर्मल एक्सटेंशन एफ दे उत्ते है तो ए ई दे उत्ते भी होएगा। और याद रखना मैं इत्थे लिखिया नहीं, एफ ई ते की के तीनों साडे कोल फील्ड्स है जिहड़ियां कि इस कंडीशन नू सैटिस्फाई कर रही। ठीक है जी। ना पिछली थ्योरम दी असी मदद लवांगे। सो सानू के सानू क्या दिता है, वट इज़ के, इट इज़ ए फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ आ गया फस्ट पार्ट। तो पिछली थ्योरम के मुताबिक साढ़े कोल के की हो गया, सो इट इज़ ए सप्लिटिंग फील्ड, इट इज़ ए सप्लिटिंग फील्ड ऑफ सम नॉन जीरो पॉलिनोमियल एफ एक्स ओवर एफ। ठीक है जी। इट इज़ ए साडे कोल स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ नॉन जीरो पॉलिनोमियल ओवर एफ एक्स ओवर साडे कोल एफ। हुण एफ जिहड़ा है ये की आ गया, सबसेट आ गया किहदा, ई दा। ठीक है जी। सो जिहड़ी पॉलिनोमियल एफ दे उत्ते है वह पॉलिनोमियल ई दे उत्ते भी होएगी। सो इट इंप्लाइज कि दिस पॉलिनोमियल एफ एक्स इट बिलोंग्स टू ई ऑफ एक्स, क्योंकि उहदा पार्ट है। इहदा मतलब के साडे कोल की बन गया, ये बन गया स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ सम जा स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स ओवर एफ ओवर ई। ठीक है जी। तो अगर ये साढ़े को आ गया तो साढ़े को रिवर्स पार्ट या कन्वर्स पार्ट ऑफ प्रीवियस थ्योरम, व्हाट वी गेट, के इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ई। यही प्रूव करना सी, एक्सटेंशन नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ई। सो मतलब अगर छोटी फील्ड दे उत्ते यह नॉर्मल एक्सटेंशन है तो उस तो बड़ी फील्ड दे उत्ते भी ये नॉर्मल एक्सटेंशन होएगा। सो दिस रिजल्ट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जिहड़ी साडे कोल थ्योरम्स है उहदी स्टेटमेंट याद रखना और उही थ्योरम इहदे ते लगती है। फिर अगे चलिए। सो अगली थ्योरम साडे कोल आ गई, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द सेम स्टेटमेंट, के इज़ फाइनाइट, एक फाइनाइट हो गया नाल दे नाल नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड एफ सानू दिता। ठीक है जी। सो ये साडे कोल फस्ट पार्ट आ, के सानू नॉर्मल दिता होया। दैन वी नो दैट साडे कोल नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ वी, अगर असी अल्फा ते बीटा कोई दो एलीमेंट के दे विच्चों लैने आ, यानी नॉर्मल एक्सटेंशन चो लैने आ दो एलीमेंट्स, और ए एलीमेंट की आ आर कंजूगेट ओवर एफ, मतलब सेम मिनिमल पॉलिनोमियल नू सैटिस्फाई करते हैं। तो असी प्रूव की करना, देन देयर एग्जिस्ट ए एफ ऑटोमॉर्फिज्म, समझते हैं, जेडे कि एफ दे एलीमेंट ते फिक्स्ड रहिंदे, सिग्मा ऑफ के, जां असी इहनूं इदां भी कह सकते हैं सिग्मा बिलोंग्स टू देयर एग्जिस्ट ए, इदां भी लिख सकते हैं सिग्मा बिलोंग्स टू जी के एफ। तो एफ ऑटोमॉर्फिज्म भी हो गई,
और किदे उत्ते आ के दे उत्ते सच दैट सिगमा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, सिगमा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा। सो ये क्वेश्चन भी ये थ्योरम भी एग्जाम च बहुत बार पूछी गई है। ठीक है जी, हुण आपां इहदे प्रूफ वल चल पईए। सो सब तो पहली गल सानू की दित्ती है, के दित्ता फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ। इहदा मतलब के स्प्लिटिंग फील्ड होएगी, के साडे कोल किसी ना किसी ते, अगर साडे कोल के है फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। ठीक, सो इहदा मतलब जे नॉर्मल एक्सटेंशन है तो ये साडे कोल स्प्लिटिंग फील्ड तो हुंदी हुंदी है, के स्प्लिटिंग फील्ड होएगी किसी भी इरिड्यूसिबल पॉलीनोमियल दे। चलो उन्हों असी बाद चु गल करांगे। इहदे नाल सानू दित्ता अल्फा बीटा बिलोंग्स टू के और ये आपस च कंजुगेट आ, इहदा मतलब अल्फा बीटा सैटिस्फाई सेम मिनिमल पॉलीनोमियल्स, जा अगर कंजुगेट है तो सानू पता अल्फा बीटा बिलोंग्स टू के, सो दीज आर कंजुगेट टू ईच अदर। ठीक है जी, तो साडे कोल की हुंदा देन देयर एग्जिस्ट ए, कोई ना कोई एफ ऑटोमॉर्फिज्म होएगी, एफ ऑटोमॉर्फिज्म, उस एफ ऑटोमॉर्फिज्म दा नाम साई रखिया, और एफ जनरेटेड बाय अल्फे तो चलेगी, एफ जनरेटेड बाय बीटे ते जाएगी, और ए साडे कोल ऑन टू भी होएगी एफ ऑटोमॉर्फिज्म, और एदी अल्फे ते वैल्यूज़ फिक्स्ड होएगी, अल्फे ते एफ ते वैल्यूज़ फिक्स्ड होएगी, और अल्फे दे उत्ते एदी वैल्यूज़ बीटे दे बराबर हो जाएगी, क्योंकि एफ ते वैल्यू एदी फिक्स्ड आ, इस करके दा नाम मैं एफ ऑटोमॉर्फिज्म लिख रखता। जां असीं इहनूं उद्दां भी लिख सकदे सिगमा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू सिगमा ऑफ बीटे दे बराबर। अगर साडे कोल ए एफ ऑटोमॉर्फिज्म आ गया और के नॉर्मल एक्सटेंशन, तो के सानू किद्दां दी हो गई, सो के हो गई स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ सम नॉन जीरो पॉलीनोमियल ऑफ एफ एक्स विच इज ओवर, पहला एफ दे उत्ते होना सी, तो पिछली थ्योरम नू अप्लाई किया तो सानू पता एफ तो बाद एफ अल्फा आंदा और एफ अल्फे तो बाद साडे कोल के आंदा, इदे एफ तो बाद एफ बीटा आंदा, तो एफ बीटे तो बाद के आंदा, तो कोई भी अगर इहदे उत्ते स्प्लिटिंग फील्ड है वो इहदे उत्ते भी होएगी, जां कोई भी इहदे उत्ते नॉर्मल एक्सटेंशन है तो इहदे उत्ते भी होएगी। सो दिस इज ओवर एफ अल्फा एंड एफ बीटा। सो पिछली रिजल्ट नूं असी यूज़ किया तो साडे कोल नॉर्मल एक्सटेंशन इहदे उत्ते आ, तो एफ अल्फा तो एफ बीटे ते भी नॉर्मल एक्सटेंशन होएगा, नाल दे नाल के साडे कोल स्प्लिटिंग फील्ड हो जाएगी। ठीक है जी, सो अगर हो गई तो जो चीज़ एफ नाल हो रहा सी हुण ओ चीज़ किदे नाल होण लग पिया, एफ अल्फा नाल, एफ अल्फा ना। ठीक है जी, तो इहदा मतलब एक्सटेंशन हो गई, ये साडे कोल एक्सटेंशन हो गई एफ ऑटोमॉर्फिज्म सी, हुण इत्थे एफ अल्फा ऑटोमॉर्फिज्म कह सकते हैं, जां इहदा मतलब सो देयर एग्जिस्ट एन ऑटोमॉर्फिज्म, और ए ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा ऑफ के एक्सटेंड टू साई, यानी वही ऑटोमॉर्फिज्म जिहड़ी साडे कोल सिगी उन विच इज़ एक्सटेंडेड ऑफ साई
साई नू एक्सटेंड करता, के दे उत्ते ही ऑटोमॉर्फिज्म और किनू एक्सटेंड हो गया साई नू, और एदी कंडीशन किदां दी होएगी, सिग्मा ऑफ एक्स ते साई ऑफ एक्स सेम होंगे फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू के। ठीक है जी। सो के दे उत्ते इहदी जिहड़ी वैल्यूज़ है वह साढ़े कोल की आ जाएगी, सेम आ जाएगी। जे के दे उत्ते वैल्यू सेम आ गई दैन इट इंप्लाइज वट इट मीनस सिगमा ऑफ अल्फा, यानी साई ऑफ अल्फा, सिगमा ऑफ अल्फा विच इज़ इक्वल टू साई ऑफ अल्फा, सो विच इज़ इक्वल टू बीटे दे बराबर। ठीक है जी। सो इहदा मतलब असी एक ऑटोमॉर्फिज़म सिगमा लभ लई विच इज़ एन एफ ऑटोमॉर्फिज़म, एफ ऑटोमॉर्फिज़म, एफ ऑटोमॉर्फिज़म लभ लई सच दैट सिगमा ऑफ अल्फा इज़ इक्वल टू बीटा। तो सिगमा ऑफ अल्फा इज़ इक्वल टू साढ़े कोल बीटे दे बराबर आ गया, सो विच प्रूव अवर दिस रिजल्ट। असी इसे रिजल्ट नूं प्रूव करना सी, इहदे विच असी वैसे तो साई लभनी सी, जे साई लभनी सी तो पहला आपां सिगमा लै लैंदे। ठीक है। सो अगर इहदे विच साढ़े कोल देखो हुण आपां अगर सिगमा लभना आ तो पहला साई लिया, उस तो बाद असी सिगमा लभ लिया, और सिगमा साढ़े कोल किद्दां दी एफ ऑटोमॉर्फिज़म विच सैटिस्फाई दिस कंडीशन।